बहुत खूबसूरत है सलमा जी, और अल्लाह करे कि उनको बाबा जिब्रील की ज़ियारत नसीब हो। छोड़ के ना जाना वादे हैं, मैं ढूंढ सारे चढ़ सारे शॉर्ट से शॉर्ट। हम आ गए हैं बंगाली मार्केट। अस्सलाम वालेकुम मतलब बरकातहू, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। दुआओं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबकी जिंदगी आसान हो। इसी के साथ हमारे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घर से बाहर, मार्केट जा रही हूँ। मुझे नैना के लिए कोई गिफ्ट लेना है, रुबीना बाजी के लिए कोई गिफ्ट लेना है, और खाला के लिए भी कुछ देखूंगी। अगर कि कुछ अच्छा मिल जाए। इतने टाइम से मैं रोज कहती थी कि आज लूंगी कल लूंगी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अब कल इन्होंने जाना है और आज मैं इनके गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ। फिलहाल हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, तो आगे जो भी मैं गिफ्ट लूंगी और जिस मार्केट में जाऊंगी तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी साथ साथ। और आज ना मैंने ये वाले जूते पहन लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफी कम्फर्टेबल लग रहे हैं मुझे। मेरी हाइट लंबी है तो हमेशा मैं इस टाइप की पहनती हूँ, एडी वाले मैं ज्यादा नहीं पहनती। अपने चलने कुकू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ प्यारा कुकू, तो अभी हम आ गए हैं बंगाली मार्केट जो कि हरम के नज़दीक है। यहाँ पे भी आपको रिजनेबल प्राइस में चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये रही सामने हमारे एक छोटी सी लेकिन प्यारी सी शॉप है वॉच की। तो सबसे पहले हमने ये एक प्यारी सी वॉच देखी है, लेकिन हमें सेट चाहिए जो कपल सेट बना होता है वॉच का। मैं सोच रही हूँ कि नैना और शाहरुख के लिए ना वही ले लूँ। ये देखें ये कितने प्यारे छोटे छोटे ग्लासेस हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रे है इसके साथ। और ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। इसके अलावा ये भी बहुत प्यारा है। आप सब मुझे बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आप सबको। एक ये भी है, एक ये भी है। मैं भी यहाँ पे मार्केट में आके देखे इतनी सारी चीजें दिखा रही हूँ आप सबको, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। चल एक ये है देखे कपल शर्ट, ये भी बहुत प्यारा है। दो और भी अभी हम देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो वही लेते हैं यहाँ से। और सेकेंड ये है, लेकिन कह रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छी नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए ये ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी हमने ये सामान ले लिया तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अभी हम आ गए हैं इस शॉप पे, यहाँ पे हम जाय नमाज देखते हैं। सामने ये जो पड़े ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं दूर से। तो अभी हम आ गए हैं ब्लैंकेट्स की दुनिया में, जहाँ पे सारे ब्लैंकेट्स ही ब्लैंकेट्स हैं। जाय नमाजें होगी, बैग्स हो गए, काफी सारी चीजें हैं। सिर्फ ब्लैंकेट्स ही नहीं है और भी काफी सारी चीजें। ये वाला जो ब्लैंकेट है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसका कलर भी प्यारा है। उसकी खास बात पता है क्या है, ये दोनों साइडों से ना एक जैसा दिखता है, नहीं बल्कि डिफरेंट है। देखे इस साइड से कलर और है, इस साइड से कलर और है, लेकिन दोनों साइडों से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अभी मैं आप सबको दिखा दूँ, ये देखे अंदर से ही ऐसे है और बाहर से ही ऐसा है। अच्छा ये भी बहुत प्यारा है, दोनों साइडों से ये भी 2-in-1 है। अंदर से भी देखें बहुत सॉफ्ट है और बाहर से भी, कलर भी बहुत प्यारा है इसका पिंक कलर में। तो अभी हमने ये वाला दो सिलेक्ट हो गए हैं, एक और भी लिया है। घर चल के मैं आप सबको भी दिखाऊंगी, कलर बहुत ज्यादा प्यारे हैं। थोड़ा डार्क में लिया, बाकी ये दोनों जो है ना लाइट कलर है, लेकिन बहुत सारे बहुत प्यारे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ना सामान ले लिया, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं अचानक से इतनी गर्मी आ गई कुछ पता, लेकिन बाकी सऊदी अरब में तो हमेशा बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। अंदर मार्केट में सारे एसी चल रहे थे, लेकिन फिर भी की गाड़ी में बैठ के मैं कहीं बैठे थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊं। और अभी भी एक दो चीजें लेनी है, यहाँ से अभी निकल के किसी और मार्केट जाते हैं। मैं अभी गाड़ी में आके बैठी हूँ, हस्बैंड अंदर बिल बनवा रहे हैं। अभी हमारी मेहमानों की शॉपिंग तो हो गई है, इस वक्त हम जा रहे हैं मलाक के लिए एक छोटा सा केक लेने के लिए। मलाक का ने फेस रिवील किया तो कोई केक नहीं काटा, और कब से मैं यही कह रही थी कि मलाक का फेस रिवील करेंगे, घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, मलाक केक काटेगी। और टाइम की वजह से ना कुछ भी नहीं हो पाया, इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे रुबीना बाजी वाले जा रहे हैं ना, आज का दिन है और बस कल का दिन है, कल तो चले ही जाएंगे यूं समझे, बस आज का ही दिन है। इसलिए मैं सोच रही थी कि छोटा सा केक ले लूं मलाक के लिए, और घर में ना छोटी सी बस, जैसे फ्रेंड्स वगैरह किसी को नहीं बुला रही, बस यही सोच रही हूँ कि जैसे हम मैं रुबीना बाजी होगी, मेरे बच्चे हो गए, तो ऐसे घर पर बस छोटी सी खुशी कर लूँ। इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे और सबको घर में अच्छा लगेगा। जैसे चाचू भी हैं तो इसलिए भी हम जा रहे हैं जाके मलाक के लिए एक छोटा सा केक देखते हैं। यहाँ पे काफी सारी वैरायटीज हैं केक की, और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर नीचे की प्राइस भी लिखी हुई हैं। और ये देखें ये सारे केक ही केक हैं। अभी हम इनमें से देखते हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है, वही सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमने केक सिलेक्ट कर लिया, केक पे अभी हम नाम लिखवा रहे हैं, वहाँ पे केक पे नाम लिखा जा रहा है। और मैं यहाँ शॉप का विजिट करूँ, यहाँ पे सारी कैंडीज ही कैंडीज है, इतनी कलरफुल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिये इनकी पैकिंग देखे कितनी प्यारी है। अच्छा ये वाली जो कैंडीज है ना, इनका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा खट्टा मीठा इस तरह का होता है, लेकिन बहुत अच्छी होती है, और मैं भी इनको शौक से खाती हूँ।
यहाँ पे हमने केक भी ले लिया और साथ में ये कैंडीज भी ले ली है। आ गए हैं शॉपिंग करके। तो अभी मैं खाला को लेकर जा रही हूँ मस्जिद नबी इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि खाला जब से आई ना मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्होंने बाबे जिब्राइल देखना है, तो हम जा रहे हैं खाला को बाबे जिब्राइल दिखाने के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज खाला ने बनाई है क्या माशाल्लाह से निहारी और आज इनका लास्ट डे है हमारे साथ। बहुत ज्यादा मिस करेंगे खाला को, इसको तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, ये तो मुझे बहुत तंग करती है। देखें देख कैसे रही है मुझे, चले अभी। और ये देखिए माशाल्लाह से खाला की निहारी जो है ना वो तैयार है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं तो रात के खाने में निहारी खाएंगे और आप सबको भी इसका रिव्यू देंगे कि खाला ने कैसी बनाई है निहारी। अभी सब बैठ गए हैं गाड़ी में, नैना कहाँ है, नैना छुप गई है, और जा रहे हैं अभी हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दीदार करने के लिए। आज जो है ना इंशाल्लाह मजीद करेंगे, मजीद नहीं नहीं अभी करेंगे कि हम आए। हाँ इंशाल्लाह फिर दोबारा से आते रहें, लेकिन जाने से पहले तो आखिरी दीदार होगा ना। बहुत अच्छी लग रही है मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा पहन के वो जुम्मा नमाज पढ़ने जाता है इसके साथ। अभी हम मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब हैं, इस वक्त हम सलाम रोड पे जा रहे हैं। सामने यहाँ पे मस्जिद नबी के मीनार नजर आ रहे हैं। हम खाला और रुबीना बाजी को यहीं पे छोड़ रहे हैं, खाला और रुबीना बाजी को यहीं पे उतार दिया है क्योंकि मैं और नैना जा रहे हैं मार्केट से हम अपना काम खत्म करके फिर जाएंगे हरम। रुबीना बाजी और खाला को हम मस्जिद नबी छोड़ के आ गए हैं अलकारात मॉल। आ गए नहीं, नैना को लेकर आई हूँ, अम्मी गई संभाल लेना। हाँ चले अभी। मैंने मुझे बताया है कि शाहरुख को शॉर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने अपनी तरफ से ना ये कलर लिया है शाहरुख के लिए शर्ट में जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में ना मैंने ये ब्लैक शॉर्ट लिया है, ये शॉर्ट ना थोड़ा सा लॉन्ग है कि शर्ट्स के साथ जो मिल रहे थे ना वो बिल्कुल शॉर्ट थे, तो इसलिए मैंने शर्ट भी अलग ली है और शॉर्ट भी अलग लिया क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है, मैंने कहा ये लॉन्ग जो है ना वो ही अच्छा है। तो मैंने अपनी तरफ से शाहरुख के लिए ये लिया है जो कि कलर मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है ब्लैक और पिंक में। तो अभी जाके मैं नैना को दिखाती हूँ, नैना को पसंद आता है कि नहीं आता। मैडम ये देखो कैसा है, बहुत प्यारा प्यारा है। हाँ। ये मैंने लिया अपनी तरफ से, हाथ मत लगाना इसको, मेरी तरफ से है। हाँ अच्छा पहले देखो, शॉर्ट भी मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ, थोड़ा लॉन्ग है। हाँ ये थोड़ा लॉन्ग है, अलग अलग लिया। हाँ अलग अलग लिया, प्यारा है ना। हाँ, लेकिन उसका शर्ट मीडियम आती है। ये शर्ट क्या है, स्मॉल है लार्ज है? लार्ज है। हाँ मैंने ढूंढ लिया, आज मैं तुम्हें दिखा। तो यहाँ से चलते हैं, सामने से इधर से, इधर से चलो। हाँ मुड़ जाओ इधर चलो, उसके बाद लेफ्ट जाना है हमने। क्या कह रही हो, शॉर्ट कहना जाना वादी। मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा मैं अपनी पसंद का कोई ढूंढ लूँ, मुझे भी पसंद आ जाए, मैं भी शाहरुख के लिए कोई गिफ्ट भेज दूँ अपनी तरफ से। चलो यहाँ से इधर से ऐसे, अब फिर राइट फिर लेफ्ट। हाँ ये रहे, ये सारे इतने सारे चड्डे, सारे शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हैं। हाँ अपनी मर्जी से यहाँ से लो, इस साइड से ब्लैक हैं, ब्लू में भी हैं, दूसरी साइड से आ जाओ यहाँ से। ये सारी शॉर्ट्स की दुनिया है, यहाँ पे जो चीज मुझे ज्यादा नजर आती है मैं कहती हूँ ये इसी चीज की दुनिया है। अब मैंने कुछ शर्म मारे कि कौन सा ले। दूर से ना ये बाया मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, रेड कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। बिल्कुल ये देखे सिंपल है, इसे लूं या ना लूं लेकिन मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ कि रेड कलर में अबाया पहनने में कैसा लगता है ब्लैक दुपट्टे के साथ, और आप सबको भी दिखाती हूँ। सलाम भाजी ने रेड अबाया था, सलाम भाजी का फेवरेट कलर रेड, देखती तो इनको ये दूर से अट्रैक्ट करता है दोनों के। देखो इसकी स्लीव्स बहुत खूबसूरत है, प्यारी लग रही है, लेकिन पता नहीं रेड कलर में अबाया मैं पहली बार मैंने देखा यहाँ पे रेड कलर में, बहुत खूबसूरत है। सलाम भाजी ये देखे कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है सलाम भाजी। ये देखो इसके बाजू थोड़ा सा काम है हल्का सा, ये देखो, और ये बिल्कुल ना इसके साथ मैच हो रहे दुपट्टे के साथ। हाँ ये है छोटा मुझसे, तो ये आपने स्मॉल टाइम मीडियम आप वो लार्ज लेंगे तब आपको आएगा। बहुत प्यार लग रहा है, सच 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 में बता रही हूँ, झूठी बोल रही, झूठी बोल रही, झूठी बोल रही। अच्छा लगा, चलो ऑडियंस से पूछेंगे अगर उनको अच्छा लगा तो कल आके आपके लिए ले जाएंगे। हाँ अगर अच्छा लगा तो आप सब जरूर बताएगा मैं के लिए जाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा सच में। चलो मैं इतना प्यारा, पता नहीं आपको क्या हो गया, आपकी चॉइस को क्या हो गया, एक अलग से कलर लग रहा है। तो एंटिक चीज ही लगनी चाहिए हमेशा, मैरिड हो आप जब बनता है आप पर, इतना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है सलाम भाजी। अब सलाम भाजी ना अबाया की दुनिया में आ गई है, सलाम भाजी को सब अबाया अच्छे लगेंगे। ये कलर बहुत प्यारा है, सेम ऐसे जैसे मैंने पहना। हाँ ये बहुत प्यारा है। अच्छा इसकी प्राइस देखिए, हमेशा मुझे कहते हैं जब आप जाती है ना तो इनकी प्राइस हमें मेंशन कर दिया करें, 199 यानी ये 200 रियाल का अबाया है, मतलब पाकिस्तानी ये हो गया, पाकिस्तान में हो गया ये 15,000 का है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे बेबी को देखिए कैसे आराम से सो रही है, सलाम भाजी बेबी को देखिए आराम से सो रही है,
बलून मिला हुआ खुश है। दिखाया कि मैंने कहा ऑडियंस को थोड़ा आइडिया हो रहा है, ऑडियंस बताएगी कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके नहीं वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस मैंने इसलिए मेंशन की ताकि पता लग जाए हमें। ये सब ऐसे ही है, ये देखें ये भी इतना ही महंगा है, सिंपल है तो उनकी प्राइस कम है। अभी हमारी शॉपिंग हो गई है और मार्केट से हम बाहर निकल आए हैं। आने को क्या हुआ है, क्यों उदास उदास बैठी हुई हो? फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर तक हम मस्जिद नबी में इंटर होने वाले, दरवाजा खुलेगा तो हमें रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार नसीब होंगे। मैंने कह रही है हाँ बिल्कुल रोजे रसूल के दीदार नसीब होंगे। हमें उस साइड से आना था, हम गलती से ना इस साइड से आ गए और माशाल्लाह तबारक रहमान ये देखें करम की रौनकें। या अल्लाह इन पुरनूर करम की पुरनूर फिजाओं में पुरनूर रौनकों में या अल्लाह ज़ायरीन जो आए ना इनको देख के ना मेरा दिल ना बाग बाग हो जाता है। मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल जाता है मैं ज़ायरीन को देख के कितना खुश होती हूँ। मैं ये हजूम देख के मैं ये रश देख के बहुत ज्यादा मुझे खुशी मिलती है। ये देखिए सामने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारी रूह को सुकून दे रहे हैं, नज़ारे जो कि हमारी आंखों को ठंडक मिलती है रसूल देख के। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबीना मोहम्मद। और ये रही रुबीना बाजी और खाला जो की अभी हम जाने वाले है बाब जिब्राइल देखने के लिए। खालों को बहुत ज्यादा चाहत है बाब जिब्राइल देखने के लिए। चले अभी चलो देखे हम जैसे इंटर हुए ना रुबीना बाजी ने और खाला ने हमें ढूंढ लिया। हाँ इंतजार कर अंदर जा रहे थे तो रुक गए बस। अच्छा सामने ये जो रश आपको नजर आ रहा है ना ये आप देख सकते हैं लेडीज सारी अंदर रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जा रही हैं। माशाल्लाह तबारक रहमान मस्जिद नबी में रश बहुत ज्यादा है। तो मैं दुआ कर रही हूँ खाला जिस चाहत से कह रही थी ना जब से वो आई है मुझे कह रही मुझे बाब जिब्राइल देखना है और अल्लाह करे की उनको बाब जिब्राइल की ज़ियारत नसीब हो जाए इंशाल्लाह आमीन। देखते हैं अभी आगे चलते हैं। अभी हम आए और यहाँ से खड़े होके बाब जिब्राइल को देख रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है की ये जगह ना आगे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ से जो मैसेजेस लेकर आते थे हमारे प्यारे नबी के लिए तो वो यहाँ से आते थे। ये दरवाज़ा है कायदा इस दरवाजे के ऊपर ना ऐसे परों के निशान जो है ना वो लगे हुए हैं कि जैसे जिस तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उड़ के आते थे तो इस तरह से उन्होंने निशान बनाया कि पर के निशान लगे हुए हैं दरवाजे के ऊपर। और जब मैंने खाला को ये बात बताई थी तो खाला तब से मुझे कह रही थी सलमा प्लीज़ मुझे एक बार जो है ना तुम ले चलो मुझे बाब जिब्राइल जो है ना वो तुमने दिखाना है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाब जिब्राइल देखूँ। यहाँ पे रुबीना बाजी खाला नैना सब बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम क्योंकि ये कल जा रहे हैं और फिर आप सबको पता है अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टाइम बहुत मुश्किल से हाथ में आता है। ये टाइम नसीब वालों को नसीब होता है, अल्लाह पाक ने इनकी अच्छी नसीब की, अल्लाह पाक इनको यहाँ पर लेकर आए हैं लेकिन अभी यहाँ इनके जैसे एक बिछड़ने की घड़ी होती है तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। कितनी देर है आपकी तब आती है जब लिफ्ट चली जाती है? अभी अच्छा? खड़ी थी अभी खड़ी होती। अच्छा पहले ना मैं दरअसल भूल गई थी, देखें ये सामने लिफ्ट है और ये देखें ये सामने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम हमेशा यहाँ से आते हैं और मैं कहती हूँ जैसे ही डोर खुलेगा ना सामने रोजा रसूल नजर आएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हम पीछे से आ गए लेकिन मुझे पता नहीं चला और मैं नैना को कह रही थी नैना की कैफियत देखें नैना की हालत देखें बहुत ज्यादा रो रही है। यहाँ से देखें ये दरवाजा बंद हो रहा है और सामने देखें रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दार नसीब होते हैं यहाँ से जो भी आता है। नैना आप इसलिए रो रही है कि नैना आप ही जा रही है इसलिए रो रही है? फिर वो आ जाएंगी। फिर आ जाएंगे ना? हाँ आप बोलो ना कि आप फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आ जाएंगी इंशाल्लाह बोलो। अल्लाह पाक आपको अब सबको फिर से लेकर आएगा रुबीना बाजी को। हाँ अभी जाएंगे पता भी नहीं चलेगा सच्ची। हाँ इंशाल्लाह खाला भी आएंगे इंशाल्लाह रुबीना बाजी भी नैना भी। खाना खाने के इंतजार में मुस्तफ़ा और हानिया बैठे हैं कि कब दस्तरखान लगेगा। फिर दस्तरखान लगने की तैयारी हो रही है, प्लेट्स आ चुकी है साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है और यहाँ पे गरम गरम चपाती भी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नैना अकबर यहाँ पे आई थी एक महीने के लिए। मुस्तफ़ा तो रिपोर्टर बन गए एक महीने के लिए नहीं 20 दिन के लिए अपना रिपोर्टर वगैरह 20 दिन रहे थे लेकिन 10 दिन थोड़े मैंने ज्यादा कर दिए
अच्छा तो आज ही जा रही है तो आप नैना पे तो ये दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आपकी फीलिंग कैसी है? मेरे जो है ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, दवाई चाहती हूँ। क्या पी रही हो? दवाई नहीं, ये मेरे लिए तमन्ना जी बना कर आई है गावा तुर्की तुर्कीश कॉफी। तो आप लोग देख रहे आप लोगों गावा तुर्की, हम गावा तुर्की बोलते हैं लेकिन शायद हमें जो देखते हैं उनको नहीं पता होगा, किसको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। गावा बोलते हैं कराची से, उनको पता है मैं जटाकी हूँ। जटाकी हो आप लोग देख रहे हैं? अब अच्छा जटाकी साहिबा आप उठ के आ जाओ, दस्तरखान लग रहा है, खाना खाओ। आज खाला ने निहारी बनाई है, निहारी सबसे पहले मैंने खा लिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो पता नहीं, मेरे साथ बैठ के खाओ खाना। मेरे पेट में बहुत शदीद, कल तो तुम चली जाओगी, अभी हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ थोड़ा सा तो खा जाएगी, मैं साथ बड़ा याद आएगी। तमन्ना ये पकड़ो जल्दी से, मेरा हाथ जल्दी जल्दी पकड़ो, नीचे रखो, दोनों हाथों से पकड़ो। मुंह से ले रही थी ना, हाँ वो वही सेम कलर में लेकर आई हूँ। सेम कलर है? हाँ, मैंने कहा मुझे वही चाहिए ना, जो मुझे पसंद था ना वही कलर है। ये देखो, चलो अच्छी बात है, दोनों का सेम कलर है, बिल्कुल सेम। वो 10 का लिया मैंने, 30 का लिया, देखो मुझे फिर से बड़ा फ्रॉड हो गया। फिर तो वो हो गया ना तुम्हारा, वो दहाब का है ना, अच्छे वाला है ना। इसका दहाब का है? सोना का दहाब का है? नहीं दहाब का नहीं है उसका, नहीं नॉर्मल है उसका, नॉर्मल उसका दहाब का नहीं है। हाँ अभी दस्तरखान लग गए और सारे यहाँ पे बैठ के खाना शुरू कर रहे हैं। मिर्ची लेकर आओ मोना नैना के लिए, मिर्ची नहीं है? मिर्ची नहीं है? एक मुझे भी अच्छी लगने लग गई है इसके साथ। नहीं नहीं, इसमें मिर्ची हल्की है, तेज है, कैसे निहारी खाई नहीं? कैसी हो? ड्राइंग हो रही है हानिया के साथ यहाँ पे, हानिया की फ्रेंड आ गई है माशाल्लाह से, हानिया को तो पता ही नहीं है हानिया कहाँ पे है। और यहाँ पे माशाल्लाह चला, यहाँ पे अब्दुल्ला आया है, प्यारा बच्चा है, ये मेरी दोस्त नायला का बेटा है माशाल्लाह। इधर देखो अब्दुल्ला, इधर देखो, सबको सलाम बोलो, सलाम बोलो सबको। नहीं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये माहौल बड़ा मेहंदी लग रही है, और ये है मेरी दोस्त, मेरी दोस्त नायला, जो कि मेरे दुख सुख में ना शामिल होती है, शामिल हो जाती है, मेरी हर खुशी में होती है, मेरी हर खुशी में शामिल होती है, मेरे हर गम में शामिल होती है माशाल्लाह, जब भी बुलाते हैं तब आ जाती है, इसकी मेहरबानी है मेरे ऊपर। और यहाँ पे देखें हमारी दुल्हन तैयार हो रही है, दुल्हन पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो रही है। ये देखे मेहंदियाँ लग रही है, मेहंदियाँ लग रही है मेहंदियाँ, और रुबीना बाजी भी साथ आ गई है माशाल्लाह। रुबीना बाजी भी आज बहुत प्यारी लग रही है, मेरा का सूट कितना प्यारा लग रहा है। लो अब्दुल्ला, नहीं चाहिए? क्यों? इतना अच्छा बना हुआ है, आप ले लो। नहीं दोनों ने नहीं लेनी, क्यों? ये नहीं पीते क्या? पीते हैं, अच्छे बन रहे, नहीं लो ना, चलो उठा लो, शाबाश अच्छी बच्ची, उठा लो, चलो चलो अब्दुल्ला आप भी उठा लो, आपके गेम बंद कर गया फिर। हाँ बोलता है समझा दे, अच्छा मुझे शर्म आती है, मुस्तफा बनाए मेरा व्लॉग, अच्छा मुस्तफा बनाए मेरा व्लॉग। तमन्ना ने सबके लिए चाय बनाई है, और सबसे पहले मैं ले रही हूँ रुबीना बाजी को, रुबीना बाजी चाय ले लें। और अभी हम लेते हैं नायला को, जो कि थक गई है, हमारी दुल्हन को मेहंदी लगा रही है। दुल्हन मेहंदी दिखाओ, दुल्हन दुल्हन तो हमारी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मेहंदी तो बहुत प्यारी लगी है ना। अब जब तक ये जाती नहीं है मैं इसको दुल्हन बोलूंगी। चलो पी लो पहले, फिर बाद में लगाना, थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट कर लिया थोड़ा। हाँ ये किसके दो? ये आपके और मेरी। अच्छा मेरी और तमन्ना की, तमन्ना अपनी चाय साथ रख के आती। तो नायला लेकर आई है मलाक के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, एडवांस में लेकर आ गई ना, अभी मलाक को चलने में देर है, दौड़ने में देर है। खैर मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ कि ये कैसे लेकर आई, क्या चीज लेकर आ रही है, और इतना प्यारा कलर है इसका माशाल्लाह से, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। कैसी रुबीना बाजी? बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी है ना बाजी, बहुत ज्यादा प्यारी। इसमें से मैं बैठूंगी, इसमें बैठना है, देखें। अच्छा मलाक बाद में बैठेगी, अभी अभी हम किसको बिठा लेते हैं? नैना को, नैना को बिठा देते हैं। लेकिन देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना बहुत ही प्यारा है। नायला बैठ के शाहरुख के पास जाऊंगी। अच्छा दुल्हन बैठ के जाऊंगी, दुल्हन बैठना चाहती है इसके ऊपर और शाहरुख के पास जाना चाहती है। हाँ मलाक जब बैठेगी, लेकिन दुल्हन की जो दुल्हन की डोली है, चलो बाजी, दुल्हन की डोली नहीं, वो क्या कहते हैं, वो तुम कह रहे थे ना, ये कुकू को कह रही थी ना, कुकू मेरा घोड़ी चढ़े यार, ये सवारी आ गई है दुल्हन की। खैर थैंक यू सो मच नायला, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इतना प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई हो मलाक के लिए। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, अल्लाह पाक तुम्हें तरक्की दे नायला, और अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, ताकि तुम इस तरह के ना और मजीद प्यारे प्यारे गिफ्ट ना मेरे बच्चों को हमेशा देती रहो।
आमीन, अल्लाह सलामत रखे। इसके अलावा नायला और परफ्यूम्स लेकर आई है गिफ्ट रुबीना बाजी और नैना के लिए। तो इस बहुत ही प्यारे बल्कि बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट के साथ मैं अपने ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज। अगर हमारा आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।